हेलो गर्ल्स, मैं मेवापाल आज आपको लिख रही हूँ होम साइंस क्लास 10th सिलेबस 2020। कहने का मीन्स ये है कि जो आपका 30% जो सिलेबस रेड्यूस्ड हुआ है, 30% सिलेबस रेड्यूस्ड होने के बाद जो 70% आपका सिलेबस बचा हुआ है होम साइंस में, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कितना सिलेबस आपका बचा है, क्या क्या घटा है, वो सब कुछ आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके होम साइंस क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास सॉरी 10th है यूपी बोर्ड का है। तो यहाँ पर, और हाँ बता दूं मैं आप लोगों को, क्लास 12th की होम साइंस की भी मैंने वीडियो बना दी है, इंग्लिश की वीडियो बना चुकी हूँ, और भी वीडियो मैं आपको क्रम बाय क्रम देती रहूंगी। चलिए आप लोग देख लेते हैं आज क्लास 10th की होम साइंस है यूपी बोर्ड की। तो इसमें कितनी यूनिट है आपकी, उन यूनिट्स में कौन कौन से आपके चैप्टर हैं, वो सब कुछ आज कवर करेंगे यहाँ पे विद मार्किंग। देखते हैं यहाँ पे यूनिट कितनी है इसमें। तो जो यूनिट है आपकी क्लास 10th की होम साइंस में, वो है यूनिट आपकी 5। फर्स्ट है आपकी गृह प्रबंध, सेकंड है आपकी स्वास्थ्य रक्षा, थर्ड है आपकी वस्त्र और सूत्र विज्ञान, और आपका फोर्थ है भोजन एवं पोषण। आपका पांचवी जो आपकी यूनिट बचती है वो है आपकी प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। तो ये तो है आपकी 5 यूनिट। इन अब देखते हैं इन 5 यूनिट के अंतर्गत आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उनका आज हम विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यूनिट जो आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट से आपको मार्क मिलेंगे कितने, 50। आपको सेकेंड यूनिट जो आपकी स्वास्थ्य रक्षा है, इससे आप मार्क मिलने वाले हैं आपको 15, इससे भी हैं। अब देखते हैं आगे 33 पॉइंट पे आपका क्या है। 3 पे आपका वस्त्र और सूत विज्ञान, तो वस्त्र और सूत विज्ञान से आपको नंबर मिलेंगे, वो कितने आपके 10 है, 10 है। भोजन तथा पोषण, ये आपकी फोर्थ यूनिट है, इससे मिलने वाले आपको 15 मार्क आपकी है। कौन सी 5 यूनिट आपकी, कौन कौन सी है, प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, इससे भी आपको मिलने वाले हैं 15 मार्क्स। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो देखते हैं हमारे कितने हो रहे हैं, 15 + 15 हो गए आपके 30 + 10 आपके कितने हो, 40 और 50 कितने हो गए आपके 30। तो 30 और 40 प्लस कर देंगे आपके हो जाएंगे 70, यानी कितने मार्क हो गए आपके, 70 मार्क। तो जो आपका रिटन एग्जाम होता है, आपका थ्योरेटिकली जो एग्जाम होता है होम साइंस का, वो कितने का होता है आपका, 70 मार्क का। अब बात करते हैं कि 100 में से 70 का आपका थ्योरी आएगी, 30% कहाँ गए, यानी 30 मार्क्स आपके कहाँ गए। तो जो 30 मार्क हैं आपको मिलते हैं आपके प्रैक्टिकल से, किससे मिलते हैं, प्रैक्टिकल से। अब जो आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, उससे आपको मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं जो हमें आपके 70 यानी 70 जो नंबर मिल रहे हैं हमें, जो 5 यूनिट से मिल रहे हैं, तो कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला है आपका गृह प्रबंध, क्या है गृह प्रबंध, इसमें जो आपका एक चैप्टर है बजट, क्या आपका बजट, बजट क्या होता है, बजट की क्या परिभाषा है, बजट के क्या अर्थ है, बजट किसने बनाया था, बजट का निर्धारण हम कैसे करेंगे, बजट के क्या लाभ हैं, और बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट हम किस प्रकार से बना सकते हैं, वो सब कुछ आपको किसके अंतर्गत मिलेगा, बजट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत मिलेगा, बजट के अंतर्गत। बजट की क्या परिभाषा होती है, बजट वह प्रलेख या प्रपत्र होता है जिसमें हमारी आय व्यय का ब्यौरा होता है, आय व्यय और बचत का ब्यौरा होता है। यानी मान लीजिए हमारी इनकम कितनी है, मंथली इनकम किसी की होती है, मान लीजिए 30,000 है, 30,000 है, उन्होंने कितने इनकम है उनकी, उन्होंने कितना खर्चा किया, उन्होंने कितना बचाया, यानी कितने खर्चे में से और कितनी वो सेविंग कर सकते हैं, उनकी सेविंग क्या है, उनके कितने कितनी उनकी अर्निंग है, इन सब का जो प्रलेख हम प्रपत्र बनाते हैं वही आपका क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। आपका सेकेंड है बैंक, क्या है बैंक, यानी जो बैंक से रिलेटेड, बैंक कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बैंक होती है, हम किस बैंक में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी बैंक एक गृहिणी के लिए आवश्यक होती है, गृहिणियों को बैंक का क्यों ज्ञान होना चाहिए, यानी डाकखाना क्या है, ये बैंक डाकखाने में किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने के हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वो सब कुछ बैंक किसे कहते हैं, बैंक के लाभ क्या है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। अब देखते हैं आपका आय व्यय और बचत, ये आपका भाई इसी का कॉन्सेप्ट है, बजट का ही है। आय किसे कहते हैं,
व्यय हमारा क्या है, बचत क्या है, बचत करने के क्या लाभ है, बचत करने यानी बचत किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, यानी बचत एक गृहिणी, एक कुशल गृहिणी किस तरीके से बचत करती है या फिर किस तरीके से बचत वो कर सकती है, उसके क्या क्या सोपान होते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पर। डाकखाना हो ही गया आपका, डाकखाने में क्या हम पैसे के इन्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं, कब हमें कौन से मूल पर कितनी ब्याज मिलती है, क्या होता है, वो सब कुछ इस टॉपिक में आएंगे। गृह गणित यानी गृहिणियों को गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, गृह गणित, ठीक है ना। तो यहाँ पर गृह गणित के अंतर्गत आपके प्लस है, माइनस है, यानी एडिशन है आपका, सब्ट्रैक्शन है आपके, डिवाइड है, फ्रैक्शन है आपके, क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है यानी आपके लाभ हानि है, प्रतिशत है आपके, जोड़ना घटाना भाग गुणा, यही सब कुछ आपका आएगा किसमें, गृह गणित में। गृह गणित देखिए अब इसमें आता क्या क्या, पहले तो आपको गृह गणित आएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे, और फिर दूसरी बात ये होती है इसमें थ्योरेटिकली आता है गृह गणित किसे कहते हैं, गृह गणित गृहिणियों के लिए क्यों आवश्यक है, गृह गणित स्त्रियों को क्यों पढ़ना चाहिए, गृह गणित पढ़ने से स्त्रियां क्या क्या लाभ हो सकते हैं उन्हें, ये सब कुछ हमें किससे मिलेंगे, गृह गणित वाले चैप्टर से। इससे गृहिणियां अपनी जो आर्थिक स्थिति उसे भी सुधार इंप्रूवमेंट कर सकती है भाई, जब उन्हें आएगा सब कुछ, उनके सब कुछ कैलकुलेशन जब उन्हें आएगी तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ना। तो ये चीज हमें किससे मिलती है, गृह गणित से। इससे इन टॉपिक से हमें जो नंबर मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 15 नंबर, क्लियर। ये एक तरह से आपके चैप्टर है, इसके यूनिट फर्स्ट के, यूनिट सेकंड है आपकी स्वास्थ्य रक्षा, जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक मिलेंगे, ये भी आपके कितने 15 नंबर की है। इससे मिलेंगे फर्स्ट आपका जल, यानी जल क्या होता है, जल कैसे प्रदूषित होता है, हम अशुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध से शुद्ध जल को करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये सब कुछ आपको इस टॉपिक से मिलेगा। आपका सेकंड है जल से फैलने वाले रोग, यानी जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं, हैजा है आपका, टाइफाइड है, ये क्या है, जल से फैलने वाले रोग है, तो जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं, उनके क्या निवारण है, हम किस तरीके से जल से फैलने वाले रोगों को रोक सकते हैं, ये सब कुछ आपको किससे मिलेंगे, जलवायु से। देखते हैं पर्यावरण, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है या पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब कुछ आपको इस टॉपिक से मिलेगा। सामान्य रोग यानी व्यक्तियों को जो संक्रामक रोग होते हैं, सामान्य रोग आपका हैजा टाइप यानी आपका मलेरिया है, टीबी है, चिकनगुनिया है आपका, यानी जितने भी आपके रोग होते हैं वो हेपेटाइटिस बी है, इसमें हम करेंगे सामान्य रोग का वर्णन, यानी कौन कौन से रोग होते हैं और वो कौन कौन से रोग किस प्रकार से फैलते हैं। देखा ना, कुछ संक्रामक रोग होते हैं कितने प्रकार से फैलते हैं, कोई क्या टच करने के द्वारा फैलता है, कोई रक्त द्वारा फैलता है, कोई हवा द्वारा फैलता है, कोई सांस द्वारा फैलता है, तो ये रोग किस प्रकार से फैलते हैं, कोई जीवाणु और कीटाणु द्वारा फैलते हैं, तो किस प्रकार से कौन कौन से रोग फैलते हैं, उनके क्या कारण है, उनसे बचने के क्या उपाय करने चाहिए, अगर वो बाय चांस धोखे से किसी को हो भी जाता है तो उसके क्या उपचार करने चाहिए, हमें किस तरीके से रोगी का ख्याल रखना है, वो सब कुछ हमें मिलेगा सामान्य रोग में। चलिए देखते हैं थर्ड यूनिट आपकी क्या है, थर्ड यूनिट है जो आपकी वो है वस्त्र और सूत विज्ञान, सूत विज्ञान यानी धागे वाले विज्ञान, किस तरीके से कपड़े बनाने की प्रक्रिया चलती है, वो सब कुछ आपको किसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता दूं धागा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, यानी कितने प्रकार के आपकी रेशम होती है, कितने कौन से किससे प्राप्त होती है, अभी माइनस कर दिया, यानी आपको जो रेड रेशम उसमें से ये भी चीज थोड़ी सी हटा दी है, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर से, इसमें बचे आपका सिलाई किट और सिलाई, यानी सिलाई किट क्या है, सिलाई किट में हम कौन कौन से उपकरण रखते हैं, सिलाई किट किसे कहते हैं, सिलाई किट बनाने के क्या लाभ है, और सिलाई यानी कुर्ते की सिलाई कैसे करें, उसकी कटिंग क्या होती है, सलवार की क्या कटिंग होती है, बेबी फ्रॉक की क्या कटिंग होती है, हम कैसे सिलेंगे, यानी घर पर वह सिलने से क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, घर पर ग्रेडी को सिलाई की क्यों आवश्यकता होती है सिलाई की, तो ये सब कुछ मिलेंगे आपको यूनिट थर्ड से। यूनिट फोर्थ की तरफ चलते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या है, भोजन तथा पोषण, तो भोजन तथा पोषण से हमें कौन कौन से टॉपिक मिल रहे हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर है भोजन पकाने व परोसने की विधियां, भोजन कितने प्रकार से पकाया जाता है, भोजन पकाने की कितनी विधियां होती हैं, एक बार ओनली आपको बता दे रही है भोजन पकाने कितनी विधियां होती हैं आपकी,
आप उथली विधि भी होती है, आपकी गहरी यानी तल विधि भी होती है, भूनने वाली विधि भी होती है, ठीक है, उबालने वाली विधि होती है। तो ये क्या है, आपके भोजन पकाने की विधियां हैं, भोजन परोसने की विधियां, भोजन को हम किसने कितने प्रकार से परोस सकते हैं, ये सब कुछ हमें किससे मिला, हमें किस प्रकार से यानी भोजन परोसते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस टॉपिक से मिलेगा। रोगी का भोजन, यानी एक व्यक्ति जब किसी रोग से ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति को हमें कैसा भोजन देना चाहिए। देखिए रोग अलग अलग होते हैं, तो हर प्रकार के रोग के लिए रोगी का जो भोजन होता है वो भी अलग अलग होता है। तो उस रोग के अनुसार हमें किस व्यक्ति को किस समय पर कितना और कैसा आहार देना चाहिए, ये सब हमें मिलेगा रोगी के भोजन वाले कॉन्सेप्ट से। क्लियर? आपकी फिफ्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, हमें मिलेगी क्या, प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के क्या लाभ होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कौन कौन कर सकता है, और गृह परिचर्या। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं, फर्स्ट आपका टॉपिक है हड्डियां। देखो इसमें क्या था, इसमें पहले जो आपके इस सभी इस लेवल से पहले के मैं बता दे रही हूँ, इसमें क्या था, हड्डियां किसे कहते हैं, हड्डियां यानी अस्थि संस्थान क्या है, अस्थि संस्थान की क्या उपयोगिता है, हड्डियों की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता होती है, वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ये सब कुछ दिया था। क्या कैसे हड्डियां फ्रैक्चर होता है, कैसे मोच लगती है। लेकिन अब जो आपका बचा है इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ थोड़ा सा बचा है, वो ये कि हड्डियों की टूट एवं मोच, हड्डियों जो फ्रैक्चर होता है, सुना ना फ्रैक्चर, फ्रैक्चर किसे कहते हैं, किस और फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब कुछ हमें इससे मिलेगा। मोच, मोच किस प्रकार से लगती है, मोच और फ्रैक्चर यानी हड्डी की टूट में, हड्डी की टूट का अस्थि भंजन भी बोलते हैं, अस्थि भंग भी बोलते हैं, अस्थि विकृत भी बोलते, ठीक है। तो ये किसके आपके यानी हड्डियों की टूट और मोच, ये आपको किससे मिलेगा, फिफ्थ यूनिट से। श्वसन तंत्र, इसमें एक और चैप्टर आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, कौन कौन से अंग श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, यानी श्वसन तंत्र की एक व्यवस्थित परिभाषा दीजिए, ऐसे कौन कौन से अंग जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, श्वसन क्रिया हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्लियर? यानी जो हम कैसे सांस लेते हैं, कौन सी सांस छोड़ते हैं, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, उनका विस्तृत वर्णन कीजिए, वाले फेफड़े हैं, श्वास नली है, तो इनका वर्णन आपको इसमें मिलेगा। रोगी का स्पंज, रोगी इससे क्या, स्पंज आपने शायद पहले न सुना हुआ है टेंथ के बच्चे में, स्पंज में होता है जब कोई रोगी इस कंडीशन में होता है कि वो स्नान न कर सके, यानी स्नान न करने की कंडीशन में होता है, उस टाइम रोगी को हमें क्या, स्पंज कराई जाती है। क्लियर? यानी स्पंज भी कितने प्रकार की होती है, यानी जब रोगी को यानी सूखे तरीके से नहलाया जाता, सीधी बात हम कह सकते हैं, जब रोगी को बिना पानी के नहलाया जाता है तो वो हमारी स्पंज की प्रक्रिया कहलाती है। स्पंज कितने प्रकार की होती है, किस रोगी को हम किस तरीके से स्पंज कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। नाड़ी, अपनी धड़कन, नाड़ी सुनिए ना, कितनी किसी व्यक्ति की कितनी नाड़ी चल रही है, नाड़ी, श्वास गति और ताप चार्ट, यानी जब एक व्यक्ति बीमार होता है हम किस तरीके से निर्धारण करेंगे कि उसका टेम्परेचर पहले कितना था अब कितना है, उसकी जो तबीयत है वो पहले से बेटर है या नहीं है, वो पहले से इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, वो सब कुछ कैसे हम उसका चार्ट बनाएंगे, ये हर चीज़ कैसे हम उसका टेम्परेचर मापेंगे, हर चीज़ आपको किससे मिलेगी, यूनिट फिफ्थ से मिलेगी। तो ये तो थे आपके चैप्टर, मैंने यहाँ देखो बहुत ही शॉर्ट में बताने की आप लोगों को कोशिश की, लेकिन शॉर्ट में लेकिन डीपली तरीके से, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बताया है कि किस यूनिट में किस टाइप से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्रम वाइज यानी सीक्वेंस वाइज आप लोगों को आपका सिलेबस पूरा पूरे हुआ एड करवाऊंगी अपनी वीडियो के जरिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।